सुनो, आज जैसे कश्मीर के जो मुसलमान आते थे, मैंने सुना है कि मस्जिद मस्जिद में जा करके कुरान की एक बढ़िया छपी हुई बढ़िया जिल्द वाली किताब देते। अब ये कांग्रेस ये कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के खुद के चुनाव में कैसी धर्म निरपेक्षता दिखा रहे हैं कि कश्मीरी प्रचारक लोग हर एक मस्जिद में जा करके कुरान की लेकिन यथार्थ हम कश्मीर से और कुछ जोड़ देते होंगे वो हजरत बल की मस्जिद से या किसी मस्जिद से खास आपके लिए। मुझे तो वो नहीं आता, कोई शब्द कह देते होंगे हजरत के फलाने खानदान के फलाने आदमी ने जिस किताब को खुद चूमा था वो आपके लिए हम लाए। अब उनको चूमने चूमना कहने में क्या बहुत ज्यादा संकोच होता है। तो खैर किताब बांटते थे। उसके अलावा हम लोगों का एक प्रचार है, हाँ ठीक है मुझे याद आ गया, हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अपने दिमागों को बिल्कुल पलटे, यानी खोपड़ी जैसा काट करके एकदम से अंदर से साफ करें। वो पुरखों वाली बात ना, जो हिंदू रजिया शेरशाह और जायसी को अपना पुरखा नहीं मानता वो आजादी का रक्षक नहीं हो सकता, और जो मुसलमान गजनी घोरी और बाबर को अपना पुरखा मानता है वो आजादी के मतलब नहीं समझता और आजादी की रक्षा नहीं कर सकता। अच्छा अब कांग्रेस वालों को मौका मिल गया, क्योंकि जिन लोगों ने ज्यादा देर तक इस बात को नहीं सुना है, देखो मुसलमान समझ जाओ वो कैसा आदमी है, किसको वोट देने जा रहे हो। वो तो कह रहा है कि तुम्हारा गजनी गोरी पुरखा नहीं है, गजनी गोरी के बदौलत तो तुम लोग आज मुसलमान हो, अगर वो ना आए होते तो तुम किसकी औलाद होते। अब कांग्रेसियों का देखो ये प्रचार, अब मैं क्या कहूं कहां ये लोग गिरते। अब ये सब चीजें अगर मशहूर हो तो पता चले कि ये कितने पानी में है। जनसंघ मैं समझता हूं कितना भी गंदा हो लेकिन इतना गंदा नहीं बन पाएगा जितना कि ये कांग्रेसी हो गए, कि मुसलमानों में जाकर के उन्होंने बाकायदा ये प्रचार किया कि मैं उनके पुरखे बाबर गजनी गोरी के ऊपर प्रहार किया करता हूं और जो असली मुसलमान है उसको ये कभी सहना नहीं चाहिए। अच्छा इन सब चीजों का भी कुछ असर पड़ा हो। ये बाबर के सिलसिले में कल एक बात छूट गई थी वो मैं आपको बता देता हूं कि आप आज के पढ़े लिखे हिंदुस्तानी में एक अजीब आदत पाओगे इतिहास के तरफ दृष्टि की। इतिहास को आदमी जो आज है, आज वर्तमान में खड़ा हुआ कोई आदमी अपने देश के या दुनिया के भूतकाल को किन आंखों से किस दृष्टि से देखता है ये एक बड़ी भारी कसौटी, बहुत भारी कसौटी। और ये अब मैं सिर्फ मुसलमान के बारे में नहीं कहता हूं, मुसलमान क्या हिंदू क्या, इतिहास को देखने के मामले में आज इतना सिकुड़ गया है या यूं कहिए कि इतना बेमतलब आदमी हो गया है, पिघल गया है। उसका प्रमाण ये है कि जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमले किए, जो हमलावर थे, उनकी तारीफ और सिर्फ तारीफ नहीं उनको एक तरह से अपना नायक समझना ये प्रवृत्ति है। अंग्रेज नायक क्लाइव नायक, बच्चों को तो खैर किताबों में अभी तक पढ़ाया जाता था, अब भी क्लाइव के वो किस्से की जैसे बच्चा छोटा था और वो खेलता खालता कहीं नाली में फंस गया या क्या हुआ, ये सब किस्से। बाबर के गुलाबों का कितना शौकीन था वगैरह वगैरह। और आप देखोगे प्रधानमंत्री नेहरू की किताब में भी वही दृष्टि, एक ऐसे आदमी की वो किताब है जिसको देश से मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं, लोगों से मतलब नहीं, जिसको खाली दो चीजों से मतलब, व्यक्ति और नहीं गद्दी नहीं, जो सारे संसार के लिए एक ऐसा शब्द कहो जिसमें लोग ना आए, पृथ्वी। मैं विश्व नहीं कहना चाहता क्योंकि विश्व में तो लोग आ जाएंगे ना, जनता आ जाएगी, पृथ्वी और व्यक्ति इन दोनों का सीधा संबंध। ऐसे जितने भी झूठे नायक होते हैं जो बहुत चाह जिनकी रहती कि हम बड़े आदमी बन जाएं, और कोई कोई बड़े आदमी बन भी जाते हैं, उनके पुराने इतिहास की तरफ यही दृष्टि रहती है कि वो किस तरह से एक बड़े आदमी को, चाहे वो हमलावर रहा हो, चाहे उसने अपने देश को बिल्कुल बर्बाद और गारत किया हो, लेकिन गुलाब की और किसी शौकीनी की बात और उसकी कोई और चीज को लेकर के उस पर आशिक हो जाते हैं। मैंने आज के हिंदुस्तानियों में सबसे ज्यादा ये दोष पाया है कि जितने भी पुराने पाजी हैं उनके ऊपर वो आशिक हो जाया करता है। उसका कारण ये है कि वो राष्ट्रीय असल में नहीं है, उसका कारण है कि वो जनतंत्री भी नहीं है, उसका कारण है कि उसके दिमाग में खाली अहम की अपने खुद के बड़प्पन की भावना है। तो खैर ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत मुसलमानों के बारे में बताया, इससे डरना नहीं चाहिए, इससे क्या बोलते हैं
हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि अगर ये प्रचार जोरों से और सफाई के साथ और ज्ञान के साथ हम लोग चलाएं तो मुसलमानों का दिमाग बदला जा सकता है। हालांकि उस गंगा पार में उतनी ज्यादा सफलता नहीं हुई, लेकिन 10-15-20 सैकड़ा बदला, तो 15-20 सैकड़ा वहां बदला कहीं और, पर शायद 50-60 हो सकता है। अच्छा, दूसरे हरिजन, आप लोग हरिजनों के बारे में आमतौर से आप लोग यही समझ बैठते हो, सारा देश भी, कि हरिजन गरीब, उनको पैसा मिल जाता है, चुनाव के दिनों में शराब पिला देते हैं, वोटों के लिए पैसा बांट देते हैं, कहीं कहीं तो 2-2, 4-4 रुपए में वोट खरीदते हैं, कहीं अगर अलग अलग वोट न दें तो चौधरी को पैसा दे देते हैं, वो चौधरी पकड़ के ले आता है। ये प्रचार विरोधी लोगों के बीच में और अपनी पार्टी में भी इतना जोर से चला है कि हम हरिजनों के दिमाग की असली हालत को समझ नहीं पा रहे। अब असली हालत समझना, वैसे मेरे दिमाग में था ये, लेकिन गंगा पार के चुनाव में ये अच्छी तरह समझ में आया। हरिजन सिर्फ लालच में या डर में या धोखे में नहीं फंसा करता, हरिजन का दिमाग सचमुच कांग्रेस को अपनी पार्टी समझता। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी और कांग्रेस को वो अलग नहीं करता, दोनों उसके लिए जुड़े हुए हैं, और वो जानता है कि यही गांधी और कांग्रेस युग में उसने उसका अछूतपना छूटा है, जितना भी छूटा है उसकी थोड़ी बहुत इज्जत हुई है, उसको उतना धुतकारा नहीं जा सकता। एक जमाना था गांव में तो लोग गुस्सा करने पर ऊंची जात वाले ईंट फेंक देते थे हरिजनों वगैरह पर, और मारपीट जूते से ये सब तो चलता ही रहता था ना। अब वो सब चीजें तो बंद हुई है ना किसी हद तक, सम्मान थोड़ा सा बढ़ा है, और हरिजन इन सब चीजों के लिए गांधी जी और कांग्रेस को श्रेय देता है। गांधी जी को श्रेय देना तो ठीक है, लेकिन अब अभी हम सफल नहीं हो पाए कि गांधी जी और कांग्रेस में फर्क कर पाए, और साथ साथ ये बता पाए कि ये युग ही ऐसा है, सारे संसार में युग है कि हर एक व्यक्ति सम्मानित हो, हर व्यक्ति ऊंचा उठे, हर व्यक्ति कम से कम खाने पहनने के मामले में अच्छा हो, तो सारे संसार में हो रहा है ना। ये चीज अगर हरिजनों के सामने आए और साथ साथ कांग्रेस और महात्मा गांधी में फर्क किया जाए, और साथ साथ उनके सामने अपनी पूरी जाति नीति बताई जाए, और जाति नीति के साथ साथ ये कि आर्थिक कार्यक्रम कैसा, आप जैसे मान लो 6.5 एकड़ वाली बात है, वो अच्छी तरह से रखी जाए, तो आखिरी दिनों में, अब वो बहुत कम वक्त रह गया था, मुझको कोई 7-8 दिन पहले लगा कि ये हरिजन हमको हराएंगे, और ये आपसे मैं कह देता हूं कि ये मत समझना कि हम कोई हारने के लिए खड़े हुए थे, जीतने के लिए खड़े हुए थे। तो 7-8 दिन पहले ये आभास हुआ कि हारेंगे तो ये सबसे बड़े कारण होंगे। तो फिर हमारे पास ये जैसे ये मशीन है ना, एक छोटी मशीन बैटरी से चलती, तो वो थी, तो उसमें कोई 15-20 मिनट या 30 मिनट का भाषण मैंने दिया भी था, उसमें कर लिया गया, और ये सब लोग गए थे हरिजनों की झोपड़ियों में उसी भाषण को लेके, मुझसे जितना बन सका, खास तौर से हरिजनों के झोपड़ियों में लोगों को भेजा था, सब मिला करके कम से कम तुम लोग 1000-1 घरों में तो गए ही होगे, सब जितनी टोलियां थी, तो पता नहीं कितना क्या असर पड़ा। लेकिन अगर इसी काम को 2-3 महीने लगातार किया गया होता, दिमागी बात पर जोर, ये नहीं कि क्योंकि वो शराब पिलाते हैं चलो हम भी शराब पिलाएं, या ये कि दिन रात उनको कोसें कि ये लोग पैसा देते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन वो सारा वजीफे का मामला, सारा मकान बनाने का मामला, सारा अस्पृश्यता वगैरह मामला, इस एक एक चीज पर बहस करके अगर हरिजनों के दिमाग में कोई दूसरी चीज डालने की कोशिश करते, शायद मामला आगे बढ़ता, और उस आखिरी 7 दिन भी काम समझते हैं कि 4-5 दिन मिले थे, उन 4-5 दिनों में तो विशुद्ध हमारी हरिजन प्रचार की टोलियां निकली थी, अब पता नहीं क्या कितना असर पड़ा। अब पिछड़ी जात के बारे में मैं जरूर कुछ कह देना चाहूंगा, हरिजनों का वोट कम से कम तो 90,000-1 लाख रहा होगा, 80,000 से 1 लाख तक, 4,10,000 में से, मतलब चौथाई जरूर था, तो इतना जबरदस्त वोट है। हम शायद इसमें सफल हुए कि हरिजनों का एक काफी बड़ा खित्ता जो कि प्रधानमंत्री को वोट देने जाता, हम लोगों की बात सुन करके संकोच में पड़ गया, वो वोट ही देने नहीं गया, ऐसा हुआ होगा। अच्छा, या ये कि हमारे जो वोट क्या करे, हमारे जो मतदाता थे उनको लाने वाला भी तो कोई नहीं था,
फैल जाती थी हमारी बात, लेकिन अब लाए कौन। और आदत पड़ गई है इक्के तांगे वो मोटर वाली, उनके तो खूब ट्रकें दौड़ती थी और बसें दौड़ती थी, बाकायदा रोडवेज की बस मोटरों को ढो रही थी, जो कि बिल्कुल कानून के खिलाफ है। तो अच्छा वो छोटी जात वाली बात ले लो, मुझ है हाँ पिछड़ी जात, छोटी जात भी तो कहते हैं उनको, हम नीच जात नहीं कहते, दूसरे लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, गो कि ऊंच नीच इनका कोई मतलब नहीं होता है, वास्तव में तो ये सब शब्द खाली पुराने इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए कि ऊंच नीच खत्म किए जाए, छोटे बड़े खत्म किए जाए, पिछड़े अगुआ खत्म किए जाए। अच्छा तो वास्तविक जो शब्द प्रचलित है गांव में वो तो ऊंच नीच है, लेकिन छोटी और बड़ी जात तो ये पिछड़ी जात, ऐसा कुछ अनुमान था, भरोसा था और कुछ शायद घमंड भी था कि पिछड़ी जातियां हम लोगों के साथ जाएंगी। उसके कुछ तो अपना नीति कारण था जो हमारे बारे में बातें मशहूर हो गई हैं वो, और दूसरे एक पिछड़ी जातियों का पुराना और बड़ा नेता रूपनाथ ना, रूपनाथ यादव, तो राजनीति में वो 5 साल में एक बार जिंदा होता है चुनाव के मौके पर, लेकिन जात का वो बड़ा भारी नेता। वैसे पिछली बार भी वो समाजवादी है, ऐसा नहीं, आप लोगों में भी तो बहुत से समाजवादी हो जिनका समाजवाद 5 साल में 3 महीने के लिए तो गर्माता है, क्यों, तो इसी तरह से वो कुछ रूपनाथ है, लेकिन पिछड़ी जातियों का वो पिछले 10-15-20 बरस से नेता रहा है और लोग उसको मानते हैं, कोई कोई लोग उसको पूछते हैं। अब की बार कुछ ऐसा था कि कांग्रेस ने पूरे इलाहाबाद जिले में एक भी अहीर कुर्मी तेली वगैरह नहीं खड़ा किया था, हमारी तरफ से थे, तो लोगों को ये अनुमान था कि शायद इसके ऊपर पिछड़ी जात का दिमाग बिगड़ेगा। हम तो लोगों को आगाह करते थे कि देखो इतना भरोसा मत करो, लेकिन फिर भी मन में तो हमारे भी ये बात थी कि पिछड़ी जातियों की जो 1 लाख के करीब वोट है वो तो एक मानी में हमारी ही है, लेकिन वास्तव में वो मिली नहीं, या तो पिछड़ी जात वाले वोट बहुत कम देने आए, क्योंकि रूपनाथ के अपने चुनाव क्षेत्र में उनको शायद 6-7 हजार वोट मिले और कांग्रेसी को मिले हैं कोई 20-22 हजार, तो इतना जबरदस्त फर्क इसी कारण से हो सकता है कि उनके जात वाले या उन पिछड़ी जात वाले अहीर कुर्मी तेली वगैरह ये वोट देने ही नहीं आए, और ये भी हो सकता है कि उनमें काफी लोग कांग्रेस के साथ गए। तो इस किस्से को लंबा न बढ़ा के मैं खाली एक और किस्सा आपको बता देता हूं। पटना में हमारा एक आदमी जीता है, पटना के पास के, पटना का कुछ हिस्सा और दानापुर का मिलाकर जो चुनाव क्षेत्र है, उसका नाम आप लोग जानते होंगे, रामसेवक यादव, और बहुत भारी मत से जीता। तो कहीं जिक्र मैंने किया तो कहीं किसी ने ये कह दिया, अरे वो तो जीता इस कारण से यादव। अब ऐसी बात का जवाब अगर लंबा हमसे दोगे तो मजा नहीं आएगा। हमने कहा वो यादव खाली सन 1962 के चुनाव में हुआ कि सन 57 के चुनाव में भी था, क्योंकि सन 57 में भी तो वही खड़ा हुआ था, वही यादव जो सन 57 के चुनाव में कुल 2000 वोट पाए था, सन 62 के चुनाव में 20,000 या 15,000 वोट पाता है। तो ये जितने भी पिछड़ी जात वाले हैं, यादव और कुर्मी और तेली और धानोक और कुमार और कार, अब सबका नाम हम कहां तक गिरा में मालिक सब अपने को समझ लेना, जो कोई भी हो, तो इनके बारे में हम एक बात बार बार कह देना चाहते हैं कि खाली उस पिछड़ी जात का हो जाने से, खाली पिछड़ी जात की बात कर देने से, खाली उनके तरफ कुछ हमदर्दी और सहानुभूति दिखा देने से वोट नहीं मिला करती, क्योंकि इधर 5 बरस में राम सेवक ने जनता के हर दुख दर्द में साथ दिया है, 4-5 बार पीटा गया है, उसकी हड्डियां भी टूटी हैं, न जाने कितनी सभा और प्रदर्शन किए, इसलिए वो यादव अब यादव नहीं रह गया है, वो राम सेवक जनता का नौकर या समझो एक अच्छा नेता बन गया है, इसलिए जो पिछड़ी जात वाले हैं उनका भी भरोसा राम सेवक पर बढ़ जाता है। मैंने चाहा कि हमारे जो रूपनाथ वगैरह हैं उनके दिमाग में इस बात को डालूं, पता नहीं कहां तक सफलता मिली है, या वो तो रूपनाथ का तो एक मैं मिसाल ही दे रहा हूं, वैसे आदमी बहुत अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सुशील है, बहुत सभ्य है, पढ़ा लिखा है, बस अब किसी तरह से इन पिछड़ी जात वालों के दिमाग में ये बात धंस जाए कि खाली नीति अच्छी हो, खाली नीति अच्छी क्या करें, पूरा लो, क्योंकि जब हमसे लोग कह दिया करते हैं तो हम ये कहते हैं हम क्यों हारते हैं भाई, हमको तो नहीं हारना चाहिए, काहे के लिए हारना, क्योंकि कोई नेहरू महाराज से हमने कम मेहनत की है देश के लिए, अगर मान लो घमंड न करें तो इतना कहेंगे बराबर की है, तो हम क्यों हारते हैं।
और कोई ये कह देता नहीं वो आपका क्षेत्र नहीं है, तो हमने तो सारी जिंदगी सारे हिंदुस्तान को अपना क्षेत्र बनाया, क्या करें? हमारे बाप दादों ने हमारे लिए पैसा नहीं छोड़ा, न हमारे पास मकान है, न रिश्तेदार है, न जात है, न बिरादरी है, न कुछ है, तो इसके माने हम कहीं नहीं जीत पाएंगे सारे हिंदुस्तान। तो ये सब बात मत चलाओ किसने किसका काम किया है। असल में सिद्धांत और जो सिलसिले चल रहे हैं हिंदुस्तान में उसको समझो कि हो क्या रहा है। अपने पार्टी में भी समझने की कोशिश कम है, हम लोग चिढ़ जाते हैं, जहां हार हुई चिढ़ गए, अब पिछड़ी जाति तो है ही खराब, इसमें कौन सी बात है, तो उसे चिढ़ने से कैसे काम चलेगा? अगर पिछड़ी जातियां खराब नहीं होती तो पिछड़ी क्यों होती? जब हमसे कई लोग आके कहते हैं अर्जुन सिंह ने तो आजकल बंद कर दिया है, लेकिन आके हमको बताते हैं ब्राह्मण और ठाकुर तो चाहे किसी कुमार और कहार और वो भंगी के यहां खाना खा लेगा, लेकिन अहिर नहीं खाएगा। तो इसमें इतना उलझने की क्या बात है? अहिर तो पिछड़ा हुआ है ना ब्राह्मण के मुकाबले में, इसलिए खाने पीने के मामले में, शादी वादी के मामले में वो ज्यादा अगुआ रहेगा। इसलिए चिढ़ा मत करो, इस चीज को समझो क्या है कि जब तक पिछड़ी जात वाले, यानी हमारे पार्टी में तो न कोई पिछड़ा है न कोई अगुआ है, लेकिन जिसके बाप दादा पिछड़े थे, जब तक ऐसा आदमी परिश्रम करके जनता के सवालों को उठा करके उनका प्रतिनिधि नहीं बनता है, तब तक खाली ये कहेगा कि मैं पिछड़ी जात वाला हूं और मेरी पार्टी 60 सैकड़ा विशेष अवसर तुमको दिलाना चाहती हो, जीत नहीं सकता। ये चीज किसी तरह से दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा, अब ये लंबा प्रकरण हो जाता है तो पिछड़ी जात के बारे में एक ही चीज और कह दूं। अब की इस चुनाव में मुझको लगा कि पिछड़ी जातियां एक तो है शहर की, एक है देहात की। अब जैसे हमारे लोगों ने तो कुछ पकड़ा था देहात वालों को, जैसे ये खेती करने वाली अहिर कुर्मी ऐसी जातियां, अब मुझको लगा कि प्रजा समाजवादी लोग कस्बों की पिछड़ी जातियों को पकड़े हुए हैं। कस्बों की पिछड़ी जातियां जानते हो कौन है? छठेरे, तमोली, तेली, ये कौन, कलवार, आजकल वो जायसवाल हो गए हैं। और ये अच्छा ही है, अपना बदलाव होता रहे। मैंने तो कहा कि जितने लोहार है सब अपने को लोहिया कहो, अब लोहिया जात बन जाओ अगर कोई, तो हमको भी वोटर कुछ तो मिले। तो खैर, अभी ये है शहरा की पिछड़ी जातियां, वो है देहाती पिछड़ी जातियां। अब जानना तो ये मुझको पहले भी चाहिए था, लेकिन इस गंगा पार के चुनाव में ये चीज ज्यादा सामने आई कि प्रजा समाजवादियों ने शहरों की, कस्बों की, शहर ने पिछड़ी जातियों को अपनाया, और उनमें से कुछ लोगों ने वही काम किया जो अभी मैंने राम सेवक के बारे में कहा, प्रदर्शन करना, मार खाना वगैरह वगैरह। उनमें से एक ऐसा आदमी जीता भी आपकी दफे, क्या नाम उसका, मेवालाल। अच्छा, मेवालाल जीता, और वो मेवालाल सुराव वाला ना। अच्छा, और हरिजन तो और कारणों से जीत गया, उनके दो आदमी जीते। अच्छा, ये मेवालाल जीता, और उधर वो दूसरा शंकर लाल, वो भी तो ठठेरा वगैरह है ना, मैंने खुद नहीं, उसके बाप दादे। अच्छा, तो वो भी अच्छी वोट लेके गया। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमारी पार्टी में देहाती खेतीहर पिछड़ी जातियों की तरफ ध्यान है, लेकिन ये जितनी भी कस्बाती पिछड़ी जातियां उनकी तरफ ध्यान नहीं, और उनकी सब मिलाकर के तादाद कम नहीं। आप जैसे ये कहार हैं, कुमार हैं, ये तो एक तरह से लोहार हैं, ये तो कस्बाती हो गए ना, ठठेरे हैं, तमोली हैं, इनकी तादाद सब मिलाकर के बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर किसी एक जात को देखो तो उनकी तादाद बहुत कम। और चुनाव के मौके पे जल्दी जल्दी लोग सब काम करते हैं, खुद हमारे पार्टी वाले भी एकदम से पकड़ते हैं, जैसे कोई ठेके की बोली चल रही हो, पकड़ो भाई किसी को खड़ा करो, अब पकड़ा एकदम से। तो उस वक्त कोई ठठेरा और लोहार और तमोली और तेली और कलवार इनको नहीं सोचोगे, क्योंकि उनके खुद के जात के मतदाता बहुत कम है। लेकिन अगर उनको छोड़ देते हो, और अगर कोई पार्टी सभी कस्बाती छोटी जातियों के मन में कोई उमंग ला सकती, तो फिर इन सब वोटों को ले जाएगी और देहाती वोट को भी ले जाएगी। अच्छा, अब इस पर से बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, अब हम खत्म करेंगे खाली पार्टियों के बारे में कुछ कह करके, क्यों प्रजा की बात चल पड़ी। प्रजा की सब मिला के करीब 35,000 के वोट पड़ी, विधानसभा की उन्होंने दो जगह जीती। मेरा ऐसा अनुमान है कि 20,000 के करीब वो वोटें गई हैं प्रधानमंत्री को, 15,000 के करीब मिली है मुझको। चीज जम नहीं पाई, सिर्फ वहीं पे जमी, यानी उनकी तरफ से हल्ला कि ऊपर की वोट दो बरगद को और छोट नीचे की वोट दो झोंपड़ी को, यह हल्ला मचा था, लेकिन वो वहीं पे हो पाया जहां पे हम मजबूत हो गए, और बाकी जगहों पे
तो उन्होंने अपना खाली झोपड़ी झोपड़ी चलाया और कोई इसकी परवाह नहीं की कि ऊपर की वोट किसको मिलती है, बल्कि अगर लोगों ने कहा कि बैल को दे रहे हैं तो आया ठीक है बैल को दे, हमें इससे मतलब नहीं, या शायद कहीं पे बैल के साथी भी हो गए हों, हम उसमें शायद जोड़ देना चाहेंगे। अच्छा, अब ये प्रजा वाला मामला बड़ा विचित्र है। खाली इतना ही आप जान लो, इनके नेताओं की तरफ से जो बयान हुए वो ये कि श्री नेहरू के व्यक्तित्व के प्रति हमको सम्मान है, इसलिए हम उनका विरोध नहीं करें, उनकी नीतियों से हमारा मतभेद है। ये वाक्य काफी मशहूर हुआ है। तो मैं तो ये समझता था अब तक कि हर भले आदमी और हर भले पार्टी का किसी व्यक्ति के प्रति तो सम्मान ही हुआ करता है, उससे तो विरोध होता नहीं, नीति से तो विरोध होता है। मैं नहीं समझता कि किसी प्रजा समाजवादी का मेरे व्यक्ति से विरोध है। व्यक्ति से तो सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, या सम्मान नहीं तो कम से कम अन्य मनस्कता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान है और उसकी नीति से विरोध है तो इसलिए उसका हम मुकाबला नहीं करेंगे, ये तर्क तो बिल्कुल बेहुदा तर्क है, लेकिन ये चल पड़ा। और हो सकता है कि हमारी तरफ से, अब उसको चुनाव के दृष्टि से गलती कहा जाएगा, वो ये हुआ कि कुछ प्रजा समाजवादियों ने हमारे आदमियों से बातचीत की कि विधानसभा की जो 5 सीटें होती हैं उसको लेकर के कुछ समझौता हो जाए। अब खैर मैं तो ये सब बात कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे नीति के बिल्कुल खिलाफ जाती। जो हमारे आदमी भी थे शायद वो भी ऐसी बातें नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भी हो प्रजा समाजवादियों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि आपने जब हमारे विधानसभा के मामले में कोई बातचीत नहीं की तो हम काहे के लिए आपके ठेकेदार बनते लोकसभा के मामले में। लेकिन एकाद प्रजा समाजवादी थे, उन्होंने थोड़ा बहुत किया, जैसे महानारायण मिश्र हैं। लेकिन अब मैं कह नहीं सकता कि वो क्यों नहीं चारों तरफ घूमे, हालांकि एक सभा में बिल्कुल आम तौर से उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी के बाद अगर कोई सिद्धांत वाली राजनीति चलाने वाला मुझको मिला है तो ये आदमी है, इसलिए मैं तो साथ दूंगा और चाहे कोई पार्टी इधर का जाए उधर जाए। तो ये उसने साफ कह दिया था। जब इतना बड़ा जुमला कोई कह सकता है तब तो फिर उसको निकल करके पूरा प्रचार करना चाहिए था, तो नहीं कर पाए। और मैं ये देख रहा हूं कि ये लोग आखिरी कदम लेते हुए हिचक जाया करते हैं। और कुछ उन्होंने पर्ची भी एक जगह बांटे, अब किसने बांटे कौन जाने। शंकर लाल ने कहा कि मैंने तो वो पर्चा नहीं बंटवाया, कि जिसमें हमारा जो आदमी खड़ा हुआ था उसके लिए कहा गया कि इसने पहले प्रजा की टिकट मांगी थी, उसको जब नहीं मिली तब ये खड़ा हुआ। जब मैंने इसका सब मामला दरियाफ्त किया तो पता चला ये बात बिल्कुल झूठी है, लेकिन फिर भी वो पर्चे में लिख दी गई। हाँ ये सही है कि रामभजन पटेल साल भर 1.5 साल पहले प्रजा समाजवादी पार्टी का मेंबर था, लेकिन वो तो कई छोड़ करके आया करते हैं, तो उस कारण से तो कोई अनिति नहीं हो जाती। तो ये सारी चीजें चली। अब जनसंघ का मामला खुद नेहरू महाराज ने जगह जगह जाकर के इस्तेमाल किया कि जैसे कोई जनसंघ से हमारा समझौता रहा हो। अब समझौते के बारे में तो मैं आपको खाली यही प्रमाण दिए देता हूं कि जनसंघ के 4 उम्मीदवार उसी लोकसभा के क्षेत्र में हमारे 4 उम्मीदवारों से लड़ रहे थे, तो जनसंघ से तो सोशलिस्ट पार्टी की लड़ाई हुई ना। खाली जनसंघ लोकसभा के मामले में हमारी मदद कर रहा था। मैं जहां तक समझ पाया जनसंघ के जो नेता लोग हैं उन्होंने अपनी नीति को ईमानदारी से निभाया, इसमें कोई शक नहीं। और जो उनके प्रचारक थे, जो मतलब समझो राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले या जो उनके अपने संगठन के प्रचारक हैं, उन्होंने ईमानदारी से कहा कि हमको विधानसभा वाली वोट दो और लोकसभा वाली वोट उनको दो। लेकिन जनसंघ में भी जात वाला असर तो पड़ा ही। जहां कहीं जनसंघ का उम्मीदवार था ब्रह्म, वहां पक्की तरह से उसको मालूम हुआ कि वो उम्मीदवार चाहे खुद करे या न करे, लेकिन जितने भी उसके रिश्तेदार और जात वाले, और आप तो चुनाव का रंग जानते हो, हिंदुस्तान में जब कोई खड़ा होता है तो उसके बिरादरी के लोग तो सब लंबरदार उसके बन ही जाते हैं, तो उन्होंने वोट नेहरू महाराज को दिलवाया होगा, ऐसा ऐसा लगता है। जनसंघ की बात, हाँ, तो वो तो उम्मीदवार थे या उनके रिश्तेदार, उनकी तरफ से तो ठीक काम नहीं हुआ। अब मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताई देता हूँ। पुराना कांग्रेसी, कहीं पर हम लोग रास्ता भटक गए थे, बड़ी कड़ी धूप थी, तकलीफ बहुत हो रही थी, तो एक आयक मिल गया,
तो रास्ता पूछा, उसने ठीक रास्ता बताया, लेकिन कुछ दुख में कुछ हंसते हुए उसने कहा, काहे आप मेहनत कर रहे हो, यहाँ तो 90 सैकड़ा वोट है प्रधानमंत्री को, और 90 सैकड़ा कहे कि 90 काहे, 95 सैकड़ा, 99 सैकड़ा, आपकी वोट वोट कुछ आए नहीं, काहे मेहनत आप कर रहे हो उस इलाके में, मतलब। तो फिर कहता है, अब ऐसा न समझना जनसंघ वाली वोट आपको मिलेगी, जनसंघ वाली वोट मिलेगी सब नेहरू महाराज को, वो बामन बामन का मामला है, वो खुद शायद ब्राह्मण था वो जो कांग्रेसी। तो फिर हमने कहा कि कहो तुम्हें तो कुछ मिला उला नहीं, कपड़े लगते से तो ऐसा ही लगता है। तो बोले मिलने उलने की कौन बात है, जो झंडा हमने तब उठाया था वो झंडा अब उठाए, वो तुम छोड़ के चले गए हमको, अब वो देखो कैसे बोल रहा। तब हमने कुछ और भी बातें कही, बोले हम लेक्चर तो तुम्हारा सुनने जा रहे थे, लेकिन अब देर तुमने कर दिया, अब हम दूसरी जगह जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन अब एक बात समझ लो, बुढ़ा है, एक ही चुनाव का तो और मामला है, क्यों ये गड़बड़ कर रहे हैं। तब हमने पकड़ा, हमने कहा मालूम होता तुम ये प्रचार खूब कर रहे हो जनता के बीच में कि बुढ़ा है, अब की दफे वोट दो न जाने क्या हो जाएगा। हमको ऐसा डर लगता है कि ये प्रचार भी गंगा पार में काफी चला हुआ, उस कांग्रेसी से बात करने में ऐसा लगता है कि बुढ़े की कहीं जान मत ले लेना, या बुढ़े का एक ही मौका और है, हमारी तरफ से भी कुछ लोगों को प्रचार करना चाहिए था कि उनको भी रक्तचाप की बीमारी, कहीं हार गए तो न जाने मामला कहाँ चल जाएगा। तो खैर ये चुनाव में कैसी चीजें चलती हैं। तो जनसंघ ने, जनसंघ के नेताओं प्रचारकों ने तो ईमानदारी के साथ हमको वोट दिलवाया है, लेकिन उनके विचारों की वोट ही कितनी थी, उनके जितने भी विधानसभा के उम्मीदवार थे कोई 15,000 थे, मतलब वोटर 15,000, तो 15,000 में हम समझते हैं कि 10,000 हमको मिली होंगी और 5,000 गई होंगी नेहरू साहब को। अब ये सब अनुमान बहुत वैसे हैं, अब तो कोई खास बात नहीं। हाँ एक आध चीज उन्होंने ऐसी की जो उनको करना नहीं चाहिए थी। अब जैसे अखबारों में बहुत लंबे लंबे प्रचार कि हमारे 2,000 आदमी है, 200 आदमी कितने जाने वाले हैं वहाँ पे, खूब हम छा जाएंगे वगैरह, हैं 5,000 2,000, अब ये सब बकवास क्या है, एक आदमी भी गया नहीं, जो कुछ उनके वहां के थे उन्होंने किया। अब ये भी आप कह सकते हो कि भाई किसको किसकी फिक्र रहती। हालांकि जनसंघ का जो ऊंचा नेतृत्व है उससे एक बहुत साहसी इस मामले में और बहुत व्यापक दृष्टि की अपेक्षा कर सकते हो, जब वो खुद हमारे पास आए, ये नहीं कि हम गए थे, उन्होंने खुद कहा है उनका हम आपकी मदद करेंगे, पूरी तरह से प्रचार किया, तब उनको ये सब करना चाहिए था, और जब नहीं करना था तो ये प्रचार 2,000 5,000 10,000 1,000 का नहीं करना था, इससे फिजूल गलत फहमी फैल गई और कुछ हुआ हवाया नहीं। खैर अब रह जाता है कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट आप जानते ही हो, अब उनके नेता तो जहां कहीं बोले यही बोले कि प्रगतिशील, लेकिन प्रगतिशीलता में जरा कुछ बाधा जब पड़ने लगी तब करें क्या बेचारे, यहां तो कह नहीं सकते थे एक प्रगतिशील और एक बेप्रगतिशील। नहीं हाँ एक आध चीज उन्होंने ऐसी की जो उनको करना नहीं चाहिए थी। अब जैसे अखबारों में बहुत लंबे लंबे प्रचार कि हमारे 2,000 आदमी है, 200 आदमी कितने जाने वाले हैं वहां पे, खूब हम छा जाएंगे वगैरह, हैं 5,000 2,000, अब ये सब बकवास क्या है, एक आदमी भी गया नहीं, जो कुछ उनके वहां के थे उन्होंने किया। अब ये भी आप कह सकते हो कि भाई किसको किसकी फिक्र रहती। हालांकि जनसंघ का जो ऊंचा नेतृत्व है उससे एक बहुत साहसी इस मामले में और बहुत व्यापक दृष्टि की अपेक्षा कर सकते हो, जब वो खुद हमारे पास आए, ये नहीं कि हम गए थे, उन्होंने खुद कहा है उनका हम आपकी मदद करेंगे, पूरी तरह से प्रचार किया, तब उनको ये सब करना चाहिए था, और जब नहीं करना था तो ये प्रचार 2,000 5,000 10,000 1,000 का नहीं करना था, इससे फिजूल गलत फहमी फैल गई और कुछ हुआ हवाया नहीं। खैर अब रह जाता है कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट तो आप जानते ही हो, अब उनके नेता तो जहां कहीं बोले यही बोले कि प्रगतिशील, लेकिन प्रगतिशीलता में जरा कुछ बाधा जब पड़ने लगी तब करें क्या बेचारे, यहां तो कह नहीं सकते थे एक प्रगतिशील और एक बेप्रगतिशील। तो बस यही कहा कि अब हम इस पर कुछ फैसला नहीं कर पाए, जहां तक कि प्रांति, जहां वो इलाहाबाद की कमेटी, हमने
प्रांत से पूछा। प्रांत ये मामला हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान वाले आते हैं रणदीवे साहब डांगे साहब तो वो कुछ गुली मिली बात कर जाते हैं, हम तटस्थ हैं कोई कह जाता नहीं, हम तो नेहरू साहब का है, ये बात दूसरी कि हम वहां प्रचार करने नहीं जाएंगे। हर हालत में उन्होंने अपने रुख को कह सकते हो आप तटस्थ सा रखा, कुछ नेहरू साहब की तरफ पलड़ा झुकाते हुए। जो वहां का कम्युनिस्ट उम्मीदवार था एक ही जगह, उससे कहीं पर 50वें दौर में हमसे मुलाकात हो गई, तो हमने उनसे पूछा कहो भाई, वो बोला क्या कर रहे हैं, बोले ठीक चल रहा है, और जहां कहीं लोग कहते हैं कि वो आपको वोट देंगे वो हम कह देते हैं कि हाँ जरूर वोट दो। तो हमने कहा और जहां कहीं लोग कहते हैं कि नेहरू महाराज को वोट देंगे, तो बोलता दबी आवाज में, उसमें वो तो जरा तेज आवाज में बोला, तो उसमें हम कह देते हैं भाई उनको भी वोट दो। तो हमने वो उम्मीदवार खुद कह रहा, हमने कहा कहो भाई ये तुम्हारी सच्ची राय खुद की, तो बेचारा थोड़ा सा मुस्कराया, बोला आप जानते ही हैं कि हमारा मन कैसा कहां जाएगा, लेकिन अब हम करें क्या, हमने राय मांगी अपने पार्टी के ऊपर के नेताओं से, अभी तक आई नहीं, तो हमने कहा तुम अपने दिमाग को खोप अपने प्रचार में, एक तो वो फीता ध्वनि वाला जो हरिजनों के लिए किया था वो, दूसरे एक और दो बरगद की बात करके क्या किस लिए हम चुनाव लड़े उस पर जोर था, और तीसरे एक चुनाव के दौर में जरूरी आंकड़े करके चीज छापी थी, उसका मैंने सुना बहुत जबरदस्त असर हुआ, छोटी सी चीज थी सिर्फ दो सफे की आगे पीछे, और उसमें आंकड़ों के बारे में था ये 6.5 एकड़ का, कि अगर ये कानून बना दिया जाए तो सरकार को कुल नुकसान होगा 70 करोड़, और जो कि सरकार के कुल आमदनी और खर्च का 2 सैकड़ा होगा, यानी 100 पैसे में 2 पैसे का नुकसान होगा। ये सारी बातें लोगों में फैल गई, तो ये सही है कि प्रधानमंत्री खुद या उनके दूसरे लोगों ने प्रचार काफी चलाया कि सरकार कैसे चलेगी, लेकिन अच्छा हुआ हमारी तरफ वाला प्रचार भी उसके मुकाबले में चला। अब मैं कह नहीं सकता कि आज गंगा पार की क्या स्थिति है, लेकिन मैं समझता हूं गंगा पार के जनता और मतदाताओं का काफी बड़ा हिस्सा अब इस प्रचार का शिकार नहीं बनता, अब वो जानता है कि अगर ये 6.5 एकड़ वाला लगान खत्म कर दिया जाए तो सरकार को नुकसान नहीं होगा, ऐसा नुकसान नहीं होगा कि उसकी कोई जरूरी काम बंद हो जाए, ये हो सकता है कि जो वो फिजूल खर्ची में बर्बाद करते हैं उसमें कुछ बर्बादी में कमी आए, इतना तो हम समझते हुआ अपने प्रचार से 6.5 एकड़ वाले से। और भी इसी तरह से दूसरी जितनी चीजें थी आंकड़ों के संबंध में वो फैली, वो कोई 10,000 के करीब पर्चा बटा होगा, 10 या 20,000। नेहरू साहब ने पैसा कितना खर्च? अब अनुमान लोग लगाते हैं कि नेहरू साहब का खर्चा 7 से 10 लाख हुआ, जो अपने लोग हैं और दूसरे लोग हैं वो भी, अपना हुआ है करीब 10,000। मैं पक्का नहीं कह सकता कि नेहरू साहब ने कितना खर्च किया, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि 3 लाख से लगा करके 10 लाख के बीच में कोई रकम है, जो जिस हिसाब से वोटर ढोए गए हैं पैसा बांट, हाँ अच्छा हुआ तो ये पूछ, जब हम किसा ही बोल रहे थे पैसा बांटने वाला, अब ये इतना बड़ा आदमी इतनी सुरक्षित जगह जीता हुआ आदमी, जो हमारे पार्टी के हम तो कैसे दुर्भाग्य, ये सब लोग जो समझते थे कि हम वहां, अब एक बात तो ये समझ लो हम हारने नहीं गए थे, उत्तर प्रदेश के 85 जगहों में से शायद जो सबसे अच्छी 10 जगह हमारे लिए थी उनमें ये फूलपुर या गंगा पार था, ये पक्का आप समझ करके रखना, कोई ये मत समझना कि हमने कोई ये नाटक किया था या प्रहसन किया था, हमने इस जगह को अच्छा समझ करके चुना था, क्योंकि हम जानते हैं किसी और जगह पर हमारे खिलाफ क्षेत्रीयता जात कुटुंब और पैसे वाला तर्क बहुत जबरदस्त चला जाएगा, तर्क और स्थिति, यहाँ पर क्षेत्रीयता के मामले में और जात वगैरह के मामले में नेहरू साहब और हम करीब करीब पलड़े के बराबर होते थे, क्योंकि एक दफे जो अब हम बुरा न मान जाना, ये जो हमको एक दुर्गति हमारी करा चुके उस वक्त हमको ऐसा घमंड था कि उत्तर प्रदेश में भला हमको कौन हरा सकता, सच मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल जबरदस्त घमंड हमको 1957 में था, मतलब नेहरू महाराज को छोड़ करके और कोई हरा नहीं सकता, इसलिए हमने इन लोगों से कह दिया था हमको मत पूछना हो कहां से खड़े हो, जहां से तुम कहोगे वहां से हम खड़े हो जाएंगे।
और भी कारण थे, लेकिन एक कारण घमंड था। फिर राजनारायण ने कहा कि बस चलो, ये बनारस सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के 85 में सबसे खराब जगह ये हमको ले गया, जो गढ़ था रूढ़िवादिता था, गढ़ था कांग्रेस का, गढ़ था प्रतिक्रिया था, गढ़ था चालाकी का, गढ़ था बदमाशी का, ऐसे गढ़ में लेके गया। लेकिन फिर भी वोट तो खैर जो थोड़े बहुत मिल गए, तो ये तो हम समझ गए थे कि ये झूठा घमंड है। आज के हिंदुस्तान के जनतंत्र में मुझ जैसे आदमी के लिए निश्चित होना असंभव कहीं पर भी। इसलिए ये जगह जहां पर कि क्षेत्रीयता का कारण और जात का कारण तो करीब करीब बराबर सा रहता था, प्रधानमंत्री के लिए हमारे लिए अच्छी रहती थी। और दूसरे कुछ ये भी हुआ, आप लोग एक काम कर दिया करते हो, बहुत उससे हमको बुरा लगा था, ये देवरिया में जो हमको फंसाया था, ऐसा मत समझना देवरिया वालों ने हमारे लिए कुछ किया था, कुछ नहीं किया था, कोई शर्त नहीं पूरी की थी। पहली जो शर्तें हमने रखी थी वो तो बिल्कुल पूरी की ही नहीं, फिर बाद में हमने अपनी शर्तें कम कर दी थी कि 10,000 रुपया इकट्ठा करो और 300 या 200 कमिटियां बनाओ, वो भी उन्होंने नहीं किया था। मुझको तो कुछ ऐसा लगा कि हंसी करनी थी कुछ लोगों को, या तो उनके मन में रहा हो, उछा आया हो, कुछ को दिखाना था, तो ये सब चीजें नहीं होती। ये मैं मानता हूं कि ये सब होते हुए भी वहां पर अगर हम खड़े हो जाते तो जीतने की संभावना फूलपुर के मुकाबले में शायद थोड़ी बहुत ज्यादा, लेकिन निश्चित मत समझ लेना। निश्चित तो हमारे लिए कोई जगह रखी ही नहीं, क्योंकि श्री नेहरू ने हिंदुस्तान की राजनीति को इतना ज्यादा क्षेत्रीय जाति प्रधान धर्म प्रधान बना दिया है, इतना ज्यादा राष्ट्रीय एकता को इन्होंने तोड़ा है, जिसके कि मैंने कुछ नमूने और प्रमाण भी दिए हैं कि अब मुझ जैसे आदमी को हिंदुस्तान में चुनाव जीतने की गुंजाइश बहुत कम है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत पैसा होता तो शायद वैसी हालत में भी हम कर जाते, क्योंकि आप सब जानते हो समाजवादी दल है, हमारे लोग समझते हैं कि हम समाजवादी दल में जाने क्या है, परमात्मा या क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब तो बकवास है। कोई एक आदमी भी है जिसने कि 2 बरस 4 बरस किसी जगह बैठ करके हमारे किसी चुनाव क्षेत्र को बनाया हो? सब अपने अपने फिक्र में रहते हो, रहना भी चाहिए, क्योंकि दल आखिर बना करता है तो किसी के लिए कुछ करके थोड़ी बना करता। हाँ, अगर हमारे पास 5-10 लाख रुपए हुए होते तो आप ही लोगों में से 4-5 या 2-3 आदमियों को 100-200 रुपए महीने के लिए खाने पीने का इंतजाम करके हम किसी चुनाव क्षेत्र में रख देते तो चुनाव क्षेत्र बन जाता। अब देखो, ये बात सुनकर कुछ लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन ये सही बात हम आपको बता रहे हैं, हमको ये कड़वी कुछ नहीं लगती। तो इन्हीं सब चीजों पर फैसला करके हम उस चुनाव क्षेत्र में गए थे, जीतने की थोड़ी बहुत संभावना थी वहां पर, बस तकदीर ही खराब है। हाँ, तो पैसा बांटने की बात, तकदीर ही खराब है। और दूसरे ये कि अब मालूम नहीं, कुछ हमको चुनाव हमारे जैसे आदमियों का चुनाव उनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब लेकिन नहीं लड़े तो भी आप लोग पीछे पड़ जाते हो, हम तो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। इसीलिए हमने सोचा कि किसी तरह से हमको छुट्टी मिले, वो भी नहीं मिल पाती। अब क्या बताओ, क्या करें क्या ना करें। अच्छा, तो एक किस्सा तो हम आपको सुनाते हैं, हमारे एक उम्मीदवार का, खुद हमारा उम्मीदवार जो था और प्रोफेसर है, दर्शन पढ़ाता, उसकी बीबी से मिलने कांग्रेस की एक बीबी गई, भाई नहीं मतलब असरदार महिला गई, और महिला नहीं कह रहे हैं, औरत गई, महिला के मतलब तो आप बड़ा गलत शब्द है, महिला कहां से आया, हमको लगता है महल से आया, तो महल की कैदी माने महिला, औरत जब सुनती है कि हम उसको औरत कहते हैं महिला नहीं कहते, तो वो समझती कि हमारा अपमान किया, बल्कि हर औरत को तो महिला शब्द सुन के, अगर हमारा ये सोचना सही है कि महल से महिला है, तब तो किसी औरत को महिला सुनकर के तो बहुत नाराज होना चाहिए। खैर, कांग्रेस की वो औरत गई। अच्छा, उसने जाके कहा, देखो तुम्हारा पति कैसा क्या काम कर रहा है, कहीं राजा से लड़ा जाता है, अपने जात के राजा से लड़ा जाता है, अब तुमको क्या कमी है, लो मकान उकान बनाओ, 10,000 रुपए लो। तो असर पड़ा, और जब हमारे क्या नाम संगम लाल घर वापस लौटे तो पंडिताइन ने कहा कि क्या कर रहे हो, मौका है कुछ बनाए लो, जीत जात तो तुम्हारी है नहीं, और कहीं महारानी से लड़ा जाता है, महारानी तुम्हारे घर आई थी, महारानी को खुश करने का एक मौका मिला, अगर कहीं महारानी खुश हो गई तो अपनी तो जिंदगी बन जाएगी ना। तो इसने सब किस्सा जब सुन लिया तो जवाब दिया
कि देखो अब तुम फैसला कर दियो कि हम किस महारानी के पीछे दौड़े, तुम्हारे क्योंकि तुम भी हमारी महारानी हो या उस महारानी के पीछे दौड़े, एक फैसला करके अभी बताए। बड़े मजेदार किस्से होते हैं चुनाव में, मतलब अभी भी यानी ये वसुंधरा क्या बोलते हैं बिल्कुल मुक्त नहीं हो गई है। कुछ लोग हैं अच्छा जवाब भी देते हैं, मन के भी अच्छे हैं, इसने चुनाव के बाद कहीं हमने कुछ कहा होगा तो ये किस्सा सुनाया और फिर प्रोफेसर ने कहा कि अब इतना आप निश्चिंत रहिए कुछ भी हो जाए अब हम तो रहेंगे, चाहे ये पलटन मरे जाए खपे कुछ भी हो रहेंगे अब इसी में। तो हमने कुछ कहा भाई कहते सभी लोग हैं लेकिन पलटन छोड़ के चले जाते हैं इसलिए विश्वास तो पूरी तरह से होता नहीं, तो उसने ये किस्सा वगैरह बताया। अच्छा एक गांव का और किस्सा पकड़ा हम लोगों ने, मुकुंदपुर नाम का गांव, तो वहां के किसी आदमी को एक रेडियो, अब महाराजा देने गए महारानी देने गए हम नहीं जानते, ये एक रेडियो चुनाव के ठीक दो दिन पहले पहुंचाया गया, ये जो और भी कुछ चीजें और भी आश्वासन, अब आश्वासन भी तो बड़ी जबरदस्त चीज होती है ना ऐसे मौके पर, ये सब तो मतलब पके हैं। फिर ये कि इलाहाबाद कॉरपोरेशन की जो मोटर गाड़ी है ना वो कम्बल लाद करके ले गई थी, इसका कॉरपोरेशन के एक मेंबर ने सभा में सवाल भी उठाया था, वो भी कॉरपोरेशन की सभा में, ये भी साबित सही है, मतलब वो कहेंगे कि ये कम्बल जो सर्दी पड़ी थी ना उत्तर प्रदेश में बड़े जोर की, उस वक्त की सरकारी कम्बल हम बांट रहे हैं क्योंकि गरीब लोगों को तो चाहिए ना, लेकिन उस वक्त वो धूप ऐसी पड़ने लग गई थी कि मामला का जो भी था, तो अब हम कह नहीं सकते कि कितना रुपया कहां बांटा गया, लेकिन आपको हम ये वैसे ठोस बात बता रहे हैं, यो छिछली बात नहीं, रेडियो वाली कम्बल वाली और 10,000 का महल और महारानी के साथ वाली, सरकारी नौकरों ने भी काम किया, जैसे वो परिवार नियोजन वगैरह की कुछ 10-20-30 लड़कियां थी तो वो प्रचार करने गई थी, अब वो नियोजन तो करना ही था भाई, अब हमारी वोटों का नियोजन करना था तो परिवार नियोजन की लड़कियां नहीं जाएंगी तो कहां कौन जाए। बसें वगैरह तो उन्होंने शायद किराए पे ली थी रोडवेज, लेकिन वो भी गैर कानूनी काम है क्योंकि वोटर को ढोना तो गैर कानूनी है, चुनाव तो उसके उसमें रद्द हो सकता है, लेकिन अब कहां रद्द कौन, अब हमारा हमारी याचिका भी कौन करेगा। देखो तुम हम जब कहते हैं बुरा हो रहा ना मान, यानी सब काम तो नहीं कर सकते हो ना, या तो चुनाव में दिलचस्पी लो या फिर जो अब हम कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी लो, दोनों में दिलचस्पी लेना मुश्किल हो जाता है, और तो आखिर में खाली कहेंगे दोष आप में से किसी का नहीं, हमारा दोष है कि हमारे माँ बाप ने हमको पैसा नहीं छोड़ा, अगर पैसा छोड़ा होता तो आज हमारी राजनीति आपके साथ कुछ लगने नहीं, ये बात नहीं तुम तो खैर कह नहीं सकते हो, अब हमसे एक एक बात खोल के मत रखवाना चाहो, तुम्हारा भाई कम से कम तुमको हर चुनाव में 10,000 रुपए दिया करता है, और उसके साथ साथ तुम में से हर एक आदमी कुछ न कुछ अपने और जो असली चीज है अपने चुनाव क्षेत्र के लिए लगातार करता रहता है। श्री राजनारायण खाली उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के नेता नहीं, अपने क्या तुम्हारे क्षेत्र का नाम गंगा कस्बा सरकारी के भी नेता है, कस्बा सरकारी में कम से अच्छा किया तुमने ये सवाल उठा दिया, गंगापुर में कम से कम 1,000-2,000-4,000 आदमी है जिनको कि तुमने निजी लाभ पहुंचाया है किसी न किसी रूप में, अर्जुन सिंह भदौरिया ने अपने इलाके में 5,000-10,000 आदमियों को निजी लाभ पहुंचाया है, निजी लाभ का मतलब आप समझ गए ना, चाहे वजीफा चाहे नौकरी चाहे अस्पताल में भर्ती ये सब काम कराया, अब आप मुझसे किस चीज की उम्मीद करते हो कि मैं ऐसा काम करूंगा, ये तो मुझसे नहीं हो सकता ना, कई दफे मुझको बड़ी चोट पहुंचाते हो जब आप वोटों के बखान करने लगते हो, मैं जानता हूं आप लोगों की वोटें कैसे आती हैं, आप जब जनता में से वोटरों में से 5,000-2,000 आदमियों के निजी काम करवाते हो और उनमें से कुछ असरदार लोग होते हैं तो वो आपकी वोट आपके मतदाताओं को लाते हैं वोट दिलवाते हैं, हमारे यहाँ कौन है किस दुनिया के किस हिस्से में हमने किसी आदमी का भला किया है,
हमने तो जो किया बुराई किया ना, किसी को जेल भिजवाया, किसी को गोली से उड़वा दिया, भला हमने किसका किया? नहीं तो ये चीज आप समझ करके रखना। और ये तो मैंने चुनाव में इस बात को बहुत जोर से कहा, और चुनाव के प्रचार में एक बड़ी जबरदस्त खराबी हो गई। अखबारों में जो हमारा भाषण छपा था वो ठीक नहीं छपा। हमने कहा था कि श्री नेहरू को और उसी तरह से हर कांग्रेसी को और उसी तरह से विरोधी दल के हर मजबूत नेता को, जैसे अर्जुन सिंह, जैसे राजनारायण, 4-5 हजार अगर लोकसभा क्षेत्र है, वोटों के ठेकेदार मिलते हैं। अब वोटों के ठेकेदार को अखबारों में छाप दिया गया था ठेकेदार, जिसका मतलब लोगों ने समझा कि क्या फूलपुर या गंगा पार के चुनाव क्षेत्र में नेहरू महाराज ने सरकारी पैमाने पर 5,000 ठेकेदार बना रखे, सड़क के ठेकेदार। हमने अपने भाषण में साफ कर दिया था कि जिस तरह से सड़क के ठेकेदार होते हैं उसी तरह से वोट के ठेकेदार होते हैं। और ये जितने भी नेता लोग हैं 4-5 हजार हर लोकसभा क्षेत्र में असरदार लोगों को निजी फायदा पहुंचाते हुए, वजीफे वगैरह वाला, नौकरी वाला, तकावी वाला, दान वाला, अनुदान वाला, तो जो एक असरदार को फायदा पहुंचाओगे तो कम से कम 15-20-25 वोटरों को तो औसत लेके आएगा ना। 1,00,000 वोट तो हर लोकसभा क्षेत्र में करीब करीब तय हो गई हर ऐसे आदमी की। अब न ये सब सवाल छेड़ा करो ना, अब हम कहां से ये सब करेंगे? अद्वितीय यानी और कोई है नहीं, कम वक्त हमारे जैसा अभागा हिंदुस्तान में और कोई है ही नहीं इस मामले में। इसलिए कभी अगर समझ जाओ आप हमको चुनाव फुनाव से छुट्टी दे दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम न तो किसी के लिए निजी फायदा करने का काम अभी उम्र में करने जाएंगे और ना अब हम पैसा बटोरने का काम करेंगे, तो ये सब चीजें ऐसी रहेंगी। तो खैर ये तो एक पृष्ठभूमि वाली बात हुई। असल में जो गंगा पार को लेकर के चुनाव से कुछ सीखना साखना या प्रचार करना हो सकता वो मैंने आपको बताया।